आपको प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, हकीकत ऐसा नहीं है। अच्छा ये ऐसा स्टेटमेंट में देखिए, मेरे लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल होते हैं। मैं जब भी बात करता हूं पॉलिसियों की और एक्शन की बात करता हूं। आप इसको नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन दूसरा सवाल नहीं, पूछ रहा। आप खड़गे जी की तरह मत करो ना। अच्छा, मेरा मेरा सवाल ये था, मैं नेहरू जी के बारे में जितना भी कुछ विगत दिनों में बोला हूं, इनके कामों के बारे में मेरी टिप्पणियां हैं जो अब ऐतिहासिक सत्य में परिवर्तित हो चुकी है, और उनकी पॉलिसियों के बारे में, और वो मेरा अधिकार है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरा अधिकार है, मैं जरूर बोलूंगा, क्यों ना बोलूं। मेरा सवाल यह था कि डेमोक्रेसी के अंदर गलती करना और गलती कोई निकाले नहीं ऐसे सोचना सामंतशाही सोच है, लोकतांत्रिक विचार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का। आप गलती करोगे और उसको कोई बताएगा नहीं, क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतती है, तो आप पंडित नेहरू का जो कीर्तिमान है 3 दफा जीतने का, उसको एक बार इक्वल कर रहे हो, क्योंकि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं चुना गया। देखिए, इस तरह के रिकॉर्ड में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम परफॉर्मेंस में विश्वास करते हैं, एक पवित्र उद्देश्य में विश्वास करते हैं, और जनता के एजेंडा में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि तीनों हमारा स्पष्ट है, इसलिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, और बड़े मार्जिन के साथ। आपका एजेंडा क्या रहेगा 2024 का, अगर आपकी तीसरी दफा सरकार बनती है, तो जो इस वक्त तमाम आपको लोग आज तक पर, इंडिया टुडे पर, टेलीविजन पर, डिजिटल पर, सोशल पर, सब जगह देख रहे हैं, उन करोड़ों लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है। मोदी जी ने अमृत काल की शुरुआत कर दी है। 2037 में भारत हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, देश की सुरक्षा अभियत हो, देश के युवाओं को वैश्विक मंच पर खड़ा रहने के लिए सभी प्लेटफॉर्म सरकार उनको दे पाए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में एक नंबर का हो, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का स्वास्थ्य, पोषण और रोजगारी की चिंता हो। हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है, महान भारत की रचना एकमात्र एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मेरे साथी सुप्रे प्रसाद है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। सुप्रे भाई, आपने इतनी सारी बता दी, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो 9 साल में आप नहीं कर पाए हो, जो लगता है कि ये करना रह गया, माने चूक गए हैं, और जिसके लिए आप प्रॉमिस करें कि 24 के बाद आप वो करेंगे, ऐसा कुछ आपके एजेंडा में? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जब मोदी जी आए तब जो सोचा था कि मोदी जी क्या कर पाएंगे, उसके अनेक गुना करा है। जहां तक देश के विकास का सवाल है, देश के स्टेटस बढ़ाने का सवाल है, हम तो कभी संतोष नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भूख इतनी बड़ी है हमारी पार्टी की कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, अनंत प्रयास करते हैं। जैसे पिछली बार आपने आते ही 370 खत्म कर दिया था, तो क्या इस बार 5 अगस्त 2024 को भी कुछ उम्मीद करें आपसे कि जब आप आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे? चले, आपको बता दूंगा, ऐसी उम्मीद मत करिए, देश के हित में जो है वो सब कुछ करेंगे।